दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। साल 1936 में जन्मे खुराना लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है शनिवार रात 11 बजे उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी। खुराना को साल 2011 में ब्रेन हैमरेज हुआ था। इसके बाद से ही उनकी सेहत खराब चल रही थी। मदन लाल खुराना का जन्म पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में 15 अक्टूबर 1936 को हुआ था। 90 के दशक में दिल्ली का शेर कहे जाने वाले मदन लाल खुराना ने दिल्ली में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। खुराना साल 1993 से लेकर साल 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर रहे और वो राजस्थान के राज्यपाल पद पर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मदन लाल खुराना को याद किया। कई बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने ट्विटर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, विज्ञान एवं तकनीक मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री विजय गोयल ने भी ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जताया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि राजधानी में 2 दिन का शोक घोषित किया गया है। मदन लाल खुराना पिछले कुछ साल से ब्रेन स्ट्रोक की वजह से कोमा में थे। डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे। इसी साल अगस्त में उनके बड़े बेटे विमल खुराना का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। 20 अगस्त 2005 को उन्हें अनुशासनहीनता के कारण बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। खुराना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी रहे थे। साल 2004 में उन्होंने सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लिया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने राजनीति में वापसी की थी। वो आरएसएस के सक्रिय सदस्य भी रहे। ऐसा एक से अधिक बार हुआ जब मदन लाल खुराना को अपनी ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया। साल 2005 में खुराना ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाने की मांग कर दी थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के कारण निलंबित कर दिया। तब बीजेपी प्रवक्ता रही सुषमा स्वराज ने कहा था कि खुराना ने पार्टी के मुद्दों को सार्वजनिक रूप से उठाया, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया। खुराना को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने के फैसले का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलकर विरोध किया। खुराना के निष्कासन के बाद उनके समर्थन में दिल्ली के केवल 3 विधायक आए थे, जिसके बाद लग रहा था कि वो पार्टी में अलग थलग हो जाएंगे। लेकिन एक दिन बाद ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुराना का पुरजोर समर्थन कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 1947 में देश के बंटवारे के बाद मदन लाल खुराना का परिवार भारत आ गया था। तब खुराना महज 12 साल के थे। उनका परिवार दिल्ली के कीर्ति नगर के रिफ्यूजी कॉलोनी में रहता था। खुराना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोडिमल कॉलेज से ग्रेजुएशन पास की थी। उनके निधन से सियासी गलियारों में शोक छा गया है। दिल्ली के गढ़ में बीजेपी के लिए दहाड़ने वाले मदन लाल खुराना को दिल्ली का शेर भी कहा जाता है, और आज दिल्ली का ये शेर दुनिया को अलविदा कह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।